हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुमार। आप सभी देख रहे हैं मिस्टर बिहारी चैनल। दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास स्मार्टफोन डिवाइस है और आपका सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है तो आप परेशान है क्यों नहीं वर्क कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख सकिएगा तो आपका जो स्मार्टफोन डिवाइस का सेटअप है आपको पूरा सेटअप आप कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों बेल का आइकन को भी जरूर दबाइएगा। अगर दोस्तों आप पहले से सब्सक्राइब करके रखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है, इस वीडियो में आपको एक भी जरा स्किप किए बिना अगर आप दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। जरा सा भी आप स्किप करते हैं तो मैं नहीं बता सकता, आपको नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका सिस्टम में जो भी स्मार्टफोन का इसमें डिवाइस का सॉफ्टवेयर होगा, मतलब आपका पहले से इंस्टॉल होगा और आपको पहले स्मार्टफोन डिवाइस प्लगिंग नहीं करना है, मतलब लगाना नहीं है। तो यहाँ पे पहले वाला मैं स्मार्टफोन का जो मेरे पास सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल है मैं उसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। जो आपके पास भी इंस्टॉल होगा उनको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसे अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। अनइंस्टॉल दोस्तों होने दे। उसके बाद जो यहाँ पे मार्को स्मार्ट यूएसबी 64 बिट दिख रहा है इसको भी आप अनइंस्टॉल कर दें। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा मार्को का जो ड्राइवर था वो अनइंस्टॉल हो गया है। अब दोस्तों सी ड्राइव में जाना है आपको। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे अगर मार्को का आपको दो वो फोल्डर दिख रहा होगा तो इसे भी आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको रिसाइकल बिन से भी इसे डिलीट कर देना है। आपका दोस्तों पूरा मार्को का सेटअप आपका इस सिस्टम से हट चुका है। तो दोस्तों आपको उसके बाद डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको आ जाना है आरडी सर्विस का, जो मार्को का आरडी सर्विस का है तो उस पर आ जाना है। जैसे यहाँ पे आरडी सर्विस गूगल पे से सर्च कीजिएगा तो आपको जो फर्स्ट में लिंक मिलेगा आप उस पर डायरेक्ट क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड डाउनलोड और एंड्रॉयड और विंडो। मेरे विंडो के लिए विंडो आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको विंडो के लिए यहाँ पे एक डाउनलोड हो गया। तो दोस्तों मेरे पहले से डाउनलोड है, पहले मैं अभी भी डाउनलोड कर लिया है तो आप यहां से देख सकते हैं मेरा पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा था और यहां पे मैंने एक इसका फाइल ही बना के रखा है। तो मैं इसे इसके बाद मैं फिर इसका फाइल बना लेता हूं, मैं डेस्कटॉप पे से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहां पे दोस्तों अब देख सकते हैं कि मेरा डेस्कटॉप पे आरडी सर्विस का फोल्डर आ चुका है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद स्मार्टफोन को जो अपडेटेड वर्जन है इसे आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इसे आप दोस्तों इसको इंस्टॉल होने दीजिए। होने के बाद आप इंस्टॉल इसको अच्छे से होने दीजिए, इसमें कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। दोस्तों आपको इस वीडियो में एक जरा भी स्किप नहीं करना है अगर समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों उसे इसे इंस्टॉल होने देते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगर आप मिस्टर बिहारी ब्लॉग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको आने वाले समय में बहुत और बहुत अच्छे ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मेरा यहाँ पे हो गया है इंस्टॉल और यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आपको अपना डिवाइस जो है अपने सिस्टम के साथ प्लगिंग करना है, मतलब अपना सिस्टम में इस डिवाइस को लगाना है। यहाँ पे मैं अपना डिवाइस लगा देता हूँ। मैंने दोस्तों अपना डिवाइस यहाँ पे भी सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको खोलना है यहाँ पे आयुष्मान भारत वाला साइट है। यहाँ पे मैंने आयुष्मान भारत वाला साइट खोल लिया है। खोलने के बाद आपको यहाँ पे अपना सक्सेसफुली लॉगिन करना है और दोस्तों आप जैसे डिवाइस लगाइएगा इस तरह का आपको एरर आएगा जो कि आपको सक्सेसफुली बता रहा है कि आरडी सर्विस का सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो दोस्तों मैंने जो साइट अभी खुलवाया ये मैंने चेक करने के लिए खुलवाया है। पासवर्ड डाल देता हूँ
यार मैंने अपना पासवर्ड डाल के मैं स्क्रीन पे क्लिक कर लेता हूँ, या तो मैं सक्सेसफुली मैं गलत बता रहा है या फिर मैं फिर से बंद कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली मतलब कि लॉगिन हो गया था। यहाँ पे दोस्तों अपना आधार नंबर आपको डालना है, जिसका जिसके नाम से आईडी है या जो अपना आयुष्मान भारत का काम करना चाहता है। अब जैसे ही डाल के यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा तो आपको पहले डिवाइस का सर्चिंग होगा कि आपका डिवाइस सक्सेसफुली एक्सेप्ट है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा, तब तक इसको होने देते हैं। साथ में आपको डीबीटी में अगर चेक करना है तो आप डीबीटी में भी चेक कर सकते हैं। आपको दोस्तों सारे जगह काम करेगा। तो यहाँ पे मैं डीबीटी खोल देता हूँ और यहाँ पे मैं बिजनेस सोशल में देख लेता हूँ सोशल में कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और यहाँ पे मैं कैप्चर एक बार डाल के मैं लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दोस्तों अपना फिंगर डाल रहा हूँ, मैंने दोस्तों अपना फिंगर तो डाल दिया है और यहाँ पे मैं भी चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा अभी। अब दोस्तों यहाँ पे भी मैं आपको चेक कर देते दिखा देता हूँ कि यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चैप्टर नॉट स्टार्ट चैप्टर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अभी लाइट जलेगा मेरे मतलब कि मार्को में। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली मैं लॉगिन हो गया हूँ। और यहाँ पे भी मतलब इसमें थोड़ा सा घूम रहा है तो इसके कारण से लाइट नहीं जला है। यहाँ पर जैसे भी लाइट जलेगा दोस्तों यहाँ पे मैं जो कैमरा का ऑप्शन आएगा अभी मैं फिर यहाँ पे कैमरा में आपको तो दोस्तों आप यहाँ पे कैमरा में देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लाइट जला हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी जो कि बंद हो गया। तो मैं यहाँ पे कैप्चर नोटिफिकेशन क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे कैमरा देखिए मैं कैप्चर नोटिफिकेशन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लाइट भी जलेगा। देख सकते हैं मेरा लाइट जल गया। यहाँ पे मैं अपना फिंगर डाल देता हूँ। फिंगर डालने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुली कैप्चर हो गया है। आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आप सक्सेसफुली आप अपडेट कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मेरा लाइव जो है मेरा सक्सेसफुली मतलब रजिस्ट्रेशन होगा। आप जहाँ चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, डीबीटी हो या जी भी हो, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई भी साइट पर आपके ये सक्सेसफुली वर्क करेगा। आई होप दिस वीडियो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को आप समझे हैं आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप अगर नहीं कर पाते तो हमें कमेंट कीजिए, उसके लिए सॉल्यूशन वीडियो आप जरूर दें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।